गाइस आप सबका स्वागत है बेस्ट फैंटेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज हम बात करेंगे इंडिया वुमेंस का जो मच अवेटेड टूर है ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का, जो गाइस कोविड की वजह से काफ़ी डिले हो रहा था, अब फाइनली गाइस 19 सितंबर से ही हो रहा है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है देख के। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी काफ़ी शानदार है और अपनी टीम का जो बैटिंग लाइनअप है वो भी काफ़ी शानदार है। तो गाइस इसमें आप देख लीजिए, 3 गाइस ओडीआई मैच होंगे, उसके बाद गाइस एक वन टेस्ट मैच जो होगा वो गाइज डे एंड नाइट दोनों चलेगा, तो 30 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक वो चलेगा। फिर उसके बाद गाइज T20 के 3 मैच होंगे अक्टूबर 7 से लेके अक्टूबर 11 तक। तो गाइज आप लोग यहाँ से देख लीजिए। अब गाइज मैं ये प्रीव्यू वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज ये सीरीज़ मैं पूरी ही तरीके से वीडियोस में कवर करने वाला हूँ, चाहे वो ODI मैच हो, चाहे T20 मैच हो, चाहे टेस्ट मैच हो। तो गाइज इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, स्पेशली ODI मैच जो होते हैं वो। T20 में तो थोड़ा सा मेरे को रिस्की लगता है मामला, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए ODI मैच मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का जो गाइस स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है उसमें गाइस एक दो बड़े प्लेयर्स मिसिंग हैं, लेकिन गाइस जो हैं वो भी कम नहीं है। तो गाइस यहाँ से देख लीजिए, मैग लेनिंग कैप्टनसी करेंगे, रेचल लेनिंग वाइस कैप्टनसी करेंगे, डार्सी ब्राउन देखेंगे, मैडलिन ब्राउन, स्टेला कैम्बेल, निकोला कैरी, हैना डार्लिंगटन, एशली गार्डन, एलिसा हिली, तैला मैगरेत, सोफी मोलिनिक्स, बेथ मुनी, एलिसा पेरी, जॉर्जिया रेडमाइनी, मॉली स्ट्रेनो, एनाबेल सेतरलैंड, टैला वेलमिक, जॉर्जिया वरियम। तो गाइज ये सारे इनका स्क्वाड आपको तीनों मैच में देखने को मिलेगा। अब गाइज इंडिया की तरफ से जो है उसमें गाइज काफ़ी ही कुछ अच्छा होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज काफ़ी यंग प्लेयर्स जो गाइज 20-21 साल की लड़कियाँ हैं इनको मौका दिया है दो दो सीरीज़ में। तो गाइज यहाँ से आप देख लीजिए, जो इंडिया वुमेंस का टेस्ट और ODI में खेलने वाला स्क्वाड है उसमें गाइज मिथाली राज कैप्टनसी करेंगी, हरमनप्रीत कौर वाइस कैप्टनसी करेंगी, स्मृति मंदाना देखेंगी, शेफाली वर्मा, पूनम राउत, जेमिमा रॉड्रिज, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, यस्तिका भाटिया, तानिया भाटिया। गाइज यस्तिका भाटिया, तानिया भाटिया काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं, 21 साल की 21-22 साल की काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं और इनको दोनों ही फॉर्मेट में जगह दी गई है। फिर उसके बाद गाइज यहाँ से शिखा पांडे देखेंगी, शिखा पांडे के बाद गाइज झूलन गोसाव में देखेंगी जो काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं अपने इंडिया वुमेंस टीम की। उसके बाद मेघना सिंह देखेंगी, पूजा वस्त्राकर देखेंगी, राजेश्वरी गायकवाड़ देखेंगी, राजेश्वरी गायकवाड़ भी काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं, पूनम यादव देखेंगी, ऋचा घोष देखेंगी, एकता बिश्त देखेंगी, ये नीचे के तो बॉलर्स हैं। T20 का स्क्वाड देख लीजिए गाइस, हरमनप्रीत कौर कैप्टनसी करेंगी T20 की, मिथाली राज करती हैं टेस्ट प्लस ODI की, स्मृति मंदाना वाइस कैप्टनसी करेंगी T20 में, शेफाली वर्मा देखेंगी, जेमिमा रॉड्रिज देखेंगी, दीप्ति शर्मा देखेंगी, स्नेह राणा, यस्तिका भाटिया, शिखा पांडे, मेघना सिंह, पूजा वस्त्राकर, राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव, ऋचा घोष, हरलीन देओल, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर। तो गाइज आप यहाँ से देख रहे होंगे कि यस्तिका भाटिया जो हैं इनको गाइज तीनों ही फॉर्मेट में जगह दी गई है, यानी टेस्ट भी खिला रहे हैं इनको, ODI भी खिला रहे हैं और T20 भी। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। होप आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ से पूरा मैच प्रीव्यू के बारे में, कब कैसे कहाँ कहाँ मैच होने हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया और क्या स्क्वाड है उनका। गाइज ये प्रीव्यू वीडियो बनाने का मेरा पर्पस एक ही है कि गाइज इंडिया में अभी भी वुमेंस क्रिकेट को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो गाइज़ इसी तरीके से थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट बढ़े इसी वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी गाइज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो। थैंक यू।